ओवरलोड वाहनों पर आरटीओ विभाग सख्त हो गया है। ओवरलोड वाहनों के लगातार चलान किए जा रहे हैं, इसको लेकर आरटीओ विभाग की टीम दिन रात फील्ड में है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 110 वाहनों के चलान कर 55 लाख रुपए जुर्माना उन्होंने वसूल किया है। डीटीओ उर्मिला ने कहा कि जो भी नियमों के विरुद्ध ओवरलोड करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम करेंगे। वहीं उन्होंने वाहन चालकों से भी अपील करते हुए कहा कि ओवरलोड वाहन मत चलाएं, उसमें ना सिर्फ सड़कों का नुकसान होता है बल्कि सड़क हादसे भी होते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कोहरे का सीजन आने वाला है, इसको लेकर भी विभाग काम कर रहा है। जहां किसानों के शुगर मिल में गन्ना लेकर आने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, तो वहीं बीच रास्ते में जहां पर भी मुख्य मोड़ है वहां पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे और इसके साथ साथ पेड़ों पर भी रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया जाएगा। उन्होंने सभी वाहन चालकों से भी अपील करते हुए कहा कि नियमों की पालना करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। 11 को टीम ओवरलोडिंग के जो चालान करने वाले 11 तारीख को बनाई है। 11 तारीख से लेके आज तक हमने लगभग 110 व्हीकल का ओवरलोड का चालान किया है, जो कि 55 लाख के आसपास। यहाँ हमारी नज़र पड़ती है, जो हमारे सामने से जाता है हम उसे तो पकड़ लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं। मतलब हमारा ये है कि हमने जीरो टॉलरेंस यहाँ पर करना। हमें इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, अभी हमारी मीटिंग हो जाएगी रोड सेफ्टी की, उसमें डिस्सा बोल देंगे। और उससे पहले भी हम जो भी शुगर मिल है यमुनानगर में पड़ती है, उनमें जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हम सब पे लगाएंगे, सभी पेड़ पौधों पे, रोड्स पे, पोल्स पे, सभी पे लगाएंगे। हम उनसे यही कह रहे हैं कि ओवरलोड लेके मत चलो, जो भी इसे एक उनका फायदा नहीं है, हम आम लोगों का नुकसान ही है कि रोड खत्म होती है। रोड यमुनानगर की तो बिल्कुल खत्म हो रही है, राधौर के पास मैंने खुद देखी है। और नंबर दो, इसे एक्सीडेंट के चांसेस भी तो बहुत होते हैं, उनका अपना खतरा भी है और आम लोगों का खतरा भी है। उनसे यही अपील है कि ओवरलोड लेके मत चले। एक मन का वहम है कि उनका कुछ ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन बराबर पड़ता है। सख्ती से निपटा जाएगा मैम इनको? बहुत सख्ती से, जैसे ऊपर से आदेश आ रहे हैं ना कि किसी को छोड़ना नहीं है जो ओवरलोड लेके चल रहा है, वैसे ही होगा। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।